नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएम न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पूजा शुक्ला। नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। आपने हमेशा सुना होगा, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, पर क्या कारण है कि हालात आप पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे बेरोजगार जैसी हो गई। कहते हैं कि सबसे बड़ा अपशब्द, अपमान, तिरस्कार किसी रिश्ते को जोड़कर नहीं होता, बल्कि बेरोजगारी ये सबसे बड़ा अपशब्द, अपमान, तिरस्कार है। जहां समाज आपको नाकारा समझने लगता है, आपके पड़ोसी परिवार के लोग आपको बेकार मानने लगते हैं। अगर देखा जाए तो बेरोजगारी एक बहुत गंभीर समस्या है, लेकिन शायद सरकार के पास इसका कोई हल नहीं। रोजगार के लिए कितने प्रदर्शन किए जा चुके हैं, कितने युवाओं ने मोदी जी रोजगार दो के नारे भी लगाए। हमारे देश में ऐसे कितने पढ़े लिखे युवा हैं जो कई सालों से नौकरी के लिए भटक रहे इस उम्मीद से कि उन्हें रोजगार मिल जाए। ऐसे कितने युवा हैं जिन्होंने बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर ली। हर बच्चे को बचपन से बताया जाता है कि अच्छी पढ़ाई होगी तो अच्छी नौकरी मिले और जीवन सुखमय होगा। ये बात खासतौर पर मिडिल क्लास फैमिली वाले अपने बच्चों को बताते, पर क्या हो जब बड़ा होने के बाद ये भ्रम टूट जाए। क्या हो जब पढ़ने लिखने के बाद ये मालूम पड़े कि रोजगार तो है ही नहीं। न जाने ऐसे कितने युवा हैं जो रोजगार के लिए आज तक भटक ही रहे, और न जाने ऐसे कितने युवा जिन्होंने बेरोजगारी के चलते अपनी जिंदगी ही खत्म कर। इन बेरोजगारों का तो शायद सरकार के पास रिकॉर्ड ही नहीं होगा। बेरोजगारी भी एक कारण है जिसकी वजह से हमारा देश आगे नहीं बढ़ पा रहा, ये तो आप सभी जानते हैं। बेरोजगारी देश की सबसे प्रमुख समस्याओं में से एक है। बेरोजगारी की वजह से देश और समाज को मुश्किल दौर से गुजरना पड़ रहा है। हाल ही में कोरोना काल में बेरोजगारों की संख्या में इजाफा भी हो गया है। बेरोजगारी हमेशा से देश के सामने बड़ी चुनौती बनी रही, लेकिन इस साल ये चुनौती भयानक रूप ले चुकी है। देश में हर साल लगभग 1 करोड़ नए बेरोजगार जुड़ते जाते हैं और जनता को रोजगार उपलब्ध कराना हर सरकार के सामने बड़ी चुनौती रहती है। लेकिन इस साल महामारी की वजह से ये चुनौती और भी भयानक हो चुकी है। यही हाल रहा तो देश की बड़ी आबादी के हाथ में खरीदने के लिए रकम नहीं हो। क्या हिंदुस्तान इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है? महामारी के दौरान बेरोजगारी बढ़ने के साथ एक चौंकाने वाली सच्चाई ये भी है कि कोरोना काल में जब अर्थव्यवस्था की रफ्तार 7.3% नकारात्मक रही थी, तब भी देश के दौलतमंदों की दौलत 35% बढ़ गई। महामारी के दौर में बेरोजगारी ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। महामारी के बीच बेरोजगारी की दर 23.5 और अप्रैल जून तक 20.9% तक पहुंच गई। 2021 में मई के महीने में बेरोजगारी दर 14.7% के स्तर पर जा पहुंची। G20 के देशों में भारत से बुरी स्थिति में केवल 4 देश। दक्षिण अफ्रीका, जहां मार्च 2021 में सबसे ज्यादा 32.6% बेरोजगारी है, उसके बाद स्पेन का नंबर आता है जहां 15.98% बेरोजगारी, और तब ब्राजील और तुर्की है जहां अप्रैल 2021 में 14.7 और 13.9% बेरोजगारी। मई 2021 में भारत 11.9% बेरोजगारी के साथ 5वें नंबर पर है। महामारी में बेरोजगारी की समस्या और भी विकराल हुई है, लेकिन वास्तव में यह मोदी राज में लगातार गंभीर होती चली गई। 2 करोड़ सालाना रोजगार की उम्मीद के बदले बेरोजगारी की ऐसी भयानक तस्वीर अच्छे दिनों की तो कतई नहीं हो सकती। मोदी है तो मुमकिन है, ये इस वक्त की बेरोजगारी दर देखकर आपको पता चल ही गया होगा। पता नहीं कब ये बढ़ती बेरोजगारी कब होगी और रोजगार का दर बढ़ेगा, ये वो सवाल है जिसका जवाब हर पढ़ा लिखा बेरोजगार जानना चाहता है। तो ये थी आज की खास खबर। इस तरह की और खास खबरों में बने रहने के लिए देखते हैं ये HM News।